जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम कुल्हड़ से प्लांटर बना के तैयार करेंगे। ये तीन मेरे पास कुल्हड़ रखे हुए थे। हम जहाँ जाते हैं लस्सी पी के अपने कुल्हड़ को अपने साथ ले आते हैं और गार्डन में यूज करते हैं। देखिए, तीन कुल्हड़ हैंगे, तीन का सेट बनाएंगे। इसमें हमने ब्लैक कलर किया है, ब्लैक ऑयल पेंट होता है जो। नेक्स्ट पे हम करेंगे येलो कलर, येलो कलर करके और सिंगल कोट करेंगे हम। सिंगल कोट में बड़ी शाइन आ जाती है, तो इसलिए देखिए मैंने ये सिंगल कोट किया है और इसको सूखने के लिए रख देंगे। थर्ड पे हम पीच कलर करेंगे। देखिए ये पीच कलर किया है मैंने थर्ड पे, और ये भी बढ़िया लगता है कलर, और सूखने के बाद काफ़ी अच्छे लगेंगे कलर। और कुल्हड़ बहुत ही बढ़िया लगते हैं जब हम इनको डेकोर करके अपने घर में लगाते हैं। और देखिए ये बन के तैयार है, और इसके ऊपर हम छोटे छोटे फ्लावर बनाएंगे। ये एक्रेलिक पेंट है मेरे पास, छोटे छोटे रखे हुए थे, छोटे डिब्बियों में आते हैं जो। और ये मैंने छोटे छोटे ये फ्लावर बना दिए इसके ब्लैक कलर के साथ। और एक एक फ्लावर हम कम बनाएंगे, इसकी जगह पे हम एक फ्लावर, रेडीमेड फ्लावर पड़ा हुआ है मेरे पास। कुछ गुड़िया की ड्रेस के ऊपर से उतर गए थे और वो वेस्ट थे, वो सब हम वेस्ट चीज़ों से ही बना के तैयार करेंगे सारे चीज़ें। ज़्यादातर हम वेस्ट चीज़ों का ही यूज करते हैं। देखिए, और इसके ऊपर पीच कलर के करेंगे, जिसके ऊपर जो कलर मैच होता है, अच्छा लगता है, उसी के हिसाब से हम कलर करेंगे। इसके ऊपर फ्लावर बनाएंगे छोटे छोटे। देखिए, ब्लैक के ऊपर पीच कलर भी अच्छा लगता है, और येलो के ऊपर भी हम ब्लैक कलर करेंगे, और इसके ऊपर भी पांच फ्लावर बनाएंगे छोटे छोटे, ऐसे ही बना लेंगे। ये देखिए हमारे बनके तैयार हैं, ये सूख गए हैं तीनों के ऊपर। और अब हम इसके ऊपर अब हम छोटे छोटे फ्लावर लगा देंगे, रेडीमेड है जो। ये देखिए, इसके ऊपर हम ग्लू की सहायता से इसके ऊपर हम चिपका देंगे। ये देखिए, ये ऐसे चिपकाएंगे हम। ये ग्लू है मेरे पास, और फेविक्विक बोलते हैं जिसको। और ये देखिए, इससे उतरेंगे नहीं, ये काफ़ी लंबे टाइम तक चिपके रहेंगे। और ये देखिए हमारा प्लांटर, छोटा सा प्लांटर बन के तैयार है। ये देखिए हमारे, ये मैंने कुछ इसमें आर्टिफिशियल प्लांट रख दिए हैं। देखिए आपको कैसे लगे प्लीज़ बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।